देखिए, प्लांट्स इन मार्शी एरियाज़। मार्शी एरियाज़ देखिए, मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, मार्शी मीन्स दलदल एरिया। अब दलदली एरिया सबको पता है, दलदली एरिया कैसे होता है, उनकी मिट्टी कैसी होती है। तो आइए पढ़ते हैं हम आगे। इन मार्शी एरियाज़ द सॉयल इज स्टिकी एंड क्ले। द प्लांट्स ग्रोइंग इन सच सॉयल आर कॉल्ड मैंग्रोव प्लांट्स और ट्रीज। इनकी जो मिट्टी होती है बड़ी ही चिपचिपी और क्ले टाइप होती है। क्ले जैसे हमने देखा, ये क्ले वाली जो मिट्टी है जो बच्चे टॉयज बनाने में यूज़ करते हैं ना, खेलते हैं कई क्ले लेकर, स्कूलों में कितनी तरह की एक्टिविटीज़ होती है क्ले को लेकर। तो वो जो क्ले होती है वो चिपचिपी टाइप थोड़ी सी होती है, ऐसी मिट्टी होती है इन मार्शी एरियाज़ में। इनको दलदली मिट्टी भी कहते हैं। इस ऐसी मिट्टी पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको मैंग्रोव प्लांट्स भी कहा जाता है और ट्रीज भी कहा जाता है। द क्ले हेयर डज नॉट अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ, सो सम ब्रीथिंग रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स और रेस्पिरेटरी। सो सम ब्रीथिंग रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल, सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स और रेस्पिरेटरी रूट्स। देखिए, ये जो प्लांट्स होते हैं इन मार्शी एरियाज़ पर, इन्हें ब्रीथिंग रूट्स और रेस्पिरेटरी रूट्स कहा जाता है, क्योंकि इन दलदली एरिया में जो है रूट्स जो हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अंदर, कि वो अंदर सांस नहीं ले पाती। ऐसी मिट्टी से जो है रूट्स बाहर आ जाती हैं, बाहर आकर वो सांस लेती हैं, इसी वजह से इन्हें ब्रीथिंग रूट्स और रिस्पायरेटरी रूट्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स आर अविसेना, जिसे कि ब्लैक मैंग्रोव कहा जाता है, एंड राइजोफोरा, जिसे कि रेड मैंग्रोव कहा जाता है। देखिए, इनके एग्जाम्पल्स में क्लियर हो रहा है जो इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं ब्लैक मैंग्रोव और रेड मैंग्रोव का। पिक्स में देख लीजिए, ब्लैक मैंग्रोव जो ब्लैक दलदली मिट्टी है वहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, रेड मैंग्रोव जो वो रेड दलदली मिट्टी है वहाँ पर ग्रो हो रहे हैं। तो ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही। आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें मैंग्रोव जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आने वाले वीडियोस में इसके बारे में हम और जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।